अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। तीन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन से रिलेटेड, हमारी डेली लाइफ में कैसे हमें पर्सुएट किया जाता है और हमें अपनी बातों में उलझाया जाता है। नंबर वन, आस्किंग फॉर हेल्प। जब तक हम किसी को कहेंगे नहीं कि हमारी मदद करो, हमें मदद नहीं मिलने वाली। आप एक लाइन में खड़े हैं, आप आगे निकलना चाहते हैं, अपने से नेक्स्ट डोर पर्सन से कहें कि मुझे ये इमरजेंसी एंड आई वांट टू बी द नेक्स्ट वन। इस तरह आपको कोई चीज जल्दी मिल सकती है अगर आप अपनी लॉजिक देते हैं और ये कहते हैं कि मुझे इस मदद की क्यों जरूरत है। सेकेंड पॉइंट इज साइकोलॉजी ऑफ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोसिटी का मतलब है बदला देना। जब कोई चीज हमें फ्री में मिलती है, कोई ऑफर हमें फ्री में मिलती है या हमें कोई गिफ्ट मिलता है किसी शॉप की तरफ से, तो हम उसके कायल हो जाते हैं, हम दिल ही दिल में उनके मोतकिद हो जाते हैं, फैन बन जाते हैं और हम समहाउ उस शॉप से नेक्स्ट टाइम जरूर कोई ना कोई चीज परचेज करने वाली है। शॉपिंग मॉल्स में समटाइम्स सेल्स गर्ल कोई ऐसी प्रोडक्ट्स दे रही होती हैं जो सैंपल्स होते हैं और हमें टेस्टर के तौर पर दिए जाते हैं। चांसेस ये होते हैं कि जब कोई चीज फेवर में हमें फ्री में मिलती है तो हम वो बदला चुकाना चाहते हैं। अनकॉन्शियसली हमारा ब्रेन इस चीज के ऊपर काम करता रहता है कि इस फेवर का हम बदला कैसे चुकाएं। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे लोगों को जरूर बताएंगे कि हम उस शॉपिंग मॉल में गए थे और ये प्रोडक्ट हमें फ्री में मिली, और चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम हम वो प्रोडक्ट दोबारा जरूर खरीदेंगे। नंबर थर्ड वन इज द साइकोलॉजी ऑफ स्कार्सिटी। पर्सुएटिव टेक्निक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली अ फ्यू आइटम्स लेफ्ट, हरी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। इस तरह के टैग्स हमें लिखे हुए नजर आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज बहुत कम है। रियल एस्टेट मार्केट में अक्सर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, वो ये कहते हैं कि ये प्लॉट हाथों हाथ दिख रहा है, अगर आप ये इस टाइम पे मिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये प्लॉट और इससे मिलता जुलता प्लॉट इस कीमत पर नहीं मिलने वाला। इस तरह वो एक सेंस ऑफ स्कैर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। स्कैर्सिटी या किसी चीज की किल्लत हो जाना हमें ये बताता है कि वी शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। हम अपनी जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहते, इसलिए हम इन चीजों की पर्सुएशन का शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन से निमटने के लिए और इन डार्क ट्रिक्स से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास हथियार है या पॉइंट है वो ये है कि हमेशा कोई भी चीज जब आप ले रहे हैं और किसी शख्स को आपको आपको पता चल रहा है कि आपको पर्सुएट करने की कोशिश की जा रही है, थिंक वंस अगेन, क्या आपको अपनी जिंदगी में वाकईतन उस चीज की जरूरत है या नहीं है, आपको उस चीज की तलब है और आपकी जिंदगी में उस चीज की कितनी नेसेसिटी है, डू यू रियली वांट टू गेट इट और यू आर ट्राइंग टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दी पर्सुएटिव प्रेशर। आप प्रेशर के नतीजे में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ और पर्सुएशन की टेक्निक्स मैं आपको बताती रहूंगी। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।